दोस्तों, आज हम 3 × 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो, यह मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। ए मैट्रिक्स मैं बना देता हूँ, दो ब्रैकेट में 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसका डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं हम निकालना, एक्सपेंड करना। 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सबसे पहले क्या है कि ना, हमने जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके माइनर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, को फैक्टर को याद रखते हुए, को फैक्टर को यूज़ करते हुए। को फैक्टर पहले जो एलिमेंट में क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, ये आएंगे को फैक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए का जो डिटरमिनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इसका को फैक्टर लगा दिया प्लस। इसको गुना करना है अब इसके सब मैट्रिक के साथ, यानी एक की रो नहीं आनी चाहिए और एक का कॉलम नहीं आना चाहिए। ओके, देखो 5, 2, 4, 1, फिर माइनस लगा दो को फैक्टर, फिर 2 ले लो। अब 2 की रो नहीं आनी चाहिए और 2 एलिमेंट्स का कॉलम नहीं आना चाहिए, यानी हमने 2 लिख दिया यहाँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके माइनर के साथ, 6, 3 और ये 4 और 1, 4 और 1, और फिर प्लस करेंगे। तीसरा एलिमेंट है 3, 3 लगा दें, और ये 3 की जो रो है, ये वाली रो है, ये नहीं आनी चाहिए, और इसका ये कॉलम है, ये नहीं आना चाहिए, यानी बाकी बचा 6, 3, 5 और 2। प्यारे बच्चों, अब पता है क्या करना है आपने, अब इसको और खोलो, इसको और एक्सपेंड करो। एक है 5 को 1 के साथ गुना करो, 5 × 5। अब 4 को 2 के साथ, 4 × 2, फिर माइनस लगा दो, 6 × 1, -4 × 3, फिर प्लस लगा दो, 6 × 2, 6 × 2, -5 × 3, 5 × 3। अब और निकालते हैं आगे, पांच चार दुनी 8, 8 में से 5 गए -3, -2, 4 × 12, 12 में से 6 गए -6, 6 × 12, 5 × 15। अब इसको और आगे निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट को -3, माइनस माइनस प्लस, 6 × 12, 15 में से 12 गए 3, और हमारा टोटल आ गया 3, 3, 6, प्लस के 12, तो प्लस के 6 आ जाएंगे, प्लस के 6, ये हमारा आंसर है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।